भाव भाव हमारा लड़का सुमित इधर पढ़ता है चौथी में, अभी तक घर नहीं लौटा। नाम क्या बताया? सुमित क्या? सुमित सुरेंद्र जाधव। एक मिनट, सुमित जाधव, सुमित जाधव, सुमित जाधव, सुमित जाधव। वो तो नहीं आया आज। दस वर्षीय सुमित जाधव घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन स्कूल पहुंचा ही नहीं। उसके गरीब मजदूर माता पिता अनीता और सुरेंद्र जाधव जब शाम को घर लौटे, तब सुमित घर पर नहीं था। इस तरह का वाकया किसी भी माता पिता को मोम की तरह पिघला देता है। डर की आंधी और हड़बड़ाहट का तूफान उनसे कस कर लिपट जाता है। किसी से कोई दुश्मनी? गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन तो गरीबी होती है। साहिब, मेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, कोई भी बुरी संगत नहीं है। साहिब, अब हम दोनों मजूरी करते हैं, सुबह जल्दी घर से चले जाते हैं। सुमित अपने आप अपने टाइम पे स्कूल चला जाता है साहिब, और शाम को वापस आते हैं तो घर पे ही होता है। आज पता नहीं किधर चला गया साहिब। आपने आस पड़ोस में देखा, कहीं खेलने गया हो? हाँ साहब, हमने सब जगह देख लिया साहब। ए सुमित, 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 आपने सुमित को देखा है क्या? ओ भाव, सुमित देखा क्या? सुमित, ए सुमित, 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 ए सुमित, भाव, भाव, सुमित देखा क्या? सुमित, सुमित, ए सुमित, वो कहीं नहीं मिला साहब। फिर हम उसके स्कूल गए साहब। सुमित सुरेंद्र जाधव। वो तो नहीं आया आज। साहब, आप हमारे बच्चे को जल्दी ढूंढ दीजिए साहब। देखिए, हमने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। कुछ तो खा ले। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आज सुबह सुमित, तीन रोटी है, एक अभी खा लेना, दो स्कूल में खाना। हाँ, चटनी भी है। आई वड़ा पाव के लिए पैसे देना। कल दूंगी पक्का। हाँ, आज देना। आज दूंगी तो ये रोटी फोकर जाएगी, कल दूंगी पक्का। हाँ, चलती हूँ। अरे अनीता, जल्दी चल। कल कुल्फी के ही पैसे दूंगी। हुँ? अरे चल ना, किधर है? आई खुश। पता चला सुमित का? कोशिश चल रही है। आप लोग घर जाइए, जैसे आपके बच्चे का पता चलेगा मैं फोन करूंगा। आपका नंबर है मेरे पास, ठीक है? पक्का इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बस्ती में, बिरादरी में? नहीं सर, पूरी पूछताछ की है। दोनों काम से काम रखते हैं और बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं। सर, ये सुरेंद्र ना तो पीता है, ना जुआ खेलता, और ना ही किसी तरह का कोई कर्ज है इसके सर। ये किडनैपिंग का मामला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग फिरौती की रकम दे ही नहीं पाएंगे सर। मतलब जरूर किसी ने अपने फायदे के लिए इसे उठाया होगा, पर किसने?
ए कौन है वहां? ए बच्चा चल भाग यहां से। जरा देखो तो क्या ये वही बच्चे सुमित यादव? सर लग तो वही रहा है। एक काम करो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास देखो कुछ मिलता है क्या, कोई हथियार या इस बच्चे के कपड़े। सर करता क्या? खेती बाड़ी करता हूँ साहब। डर तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ और करते हो या कुछ और किया हो। जंगल में लकड़ी काटना मना है साहब। पता है मुझे, इस जंगल में जंगली जानवर है क्या? बहुत सालों पहले एक तेंदुआ दिखा था साहब। तूने देखा था? नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना था। इस बच्चे के बारे में कुछ सुनोगे तो हमें भी सुनाना, सुनाएगा ना? हाँ साहब। सुमित स्कूल जाने की बजाय यहाँ आया होगा क्या सर? मुझे लगता है सुमित को यहाँ कोई लेकर आया होगा। सर बॉडी देखकर लगता है कि बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी जानवर ने खाया होगा, क्योंकि जानवर विक्टिम के कपड़े नहीं उतारता, उसे पेड़ को टिका कर नहीं बिठाता, और बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स मिसिंग है, मानो किसी ने निकाल लिए हो। आपका शक बिल्कुल सही निकला। इस बच्चे की मौत गला घोटने से हुई है और किसी इंसान के हाथ हुई है। डॉक्टर साहब, जब हमें बॉडी मिली थी तब हमें ऐसा लगा था कि बॉडी के कुछ पार्ट्स मिसिंग है। हाँ, किसी औजार का इस्तेमाल करके बॉडी के पार्ट निकाले गए। मतलब वो जानवर वाली थियरी हम रूल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये किसी जानवर का काम हो ही नहीं सकता। कोई भी जंगली जानवर चुन चुन के बॉडी के पार्ट नहीं खाते, और इस बच्चे के बॉडी में कोई भी जानवर के दांत या नाखून के निशान नहीं है। क्या ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है? आपका मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इतने सारे ऑर्गन एक साथ? सर ये तो किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है। और सर इस बच्चे की बॉडी पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि इस बच्चे पर सर्जिकल ऑपरेट किया हुआ है सर, बल्कि वो पार्ट चाकू या चॉपर से काट कर निकाले गए हैं। अब मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, इस दाल में जरूरत से कुछ ज्यादा ही काला है। सुरेंद्र का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, और जब मैं डेड बॉडी की खबर देने उसके घर गया तो वहां पर भी कोई नहीं था। शायद मजदूरी के लिए गए होंगे, या कहीं उन्होंने ही। पर वो अपने ही बच्चे को क्यों मारेंगे? काले जादू पे विश्वास करते हो? नहीं सर, मैं भी नहीं करता, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन में कोई तो है जो इस बात पर विश्वास करता है। ये रहा सबूत। जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे बकवास को मान सकते हैं, तो अनपढ़ और गवार लोगों का क्या कहना? सर आपको ये बलि का मामला लगता है? खबरियों को कह देना एरिया में जितने भी तांत्रिक बाबा है सबकी खबर निकालो, शायद उनमें से कोई तो एक बाबा है जिसने इस जोड़ी की जिंदगी बर्बाद की, या शायद सुमित के माँ बाप ने। क्या हुआ? बाबा ने बोला सुमित जल्दी आ जाएगा। और क्या बोले बाबा? थोड़े नाराज थे। हेलो, हाँ साहब, हाँ
क्या हुआ? क्या हुआ? रीता, पुलिस को एक लाश मिली है, बच्चे की, हमको बुलाया है। नहीं नहीं, वो किसी और की लाश होगी। हमारा सुमित बिल्कुल ठीक है, मेरा मन कहता है। पापा ने भी तो कहा है ना, हुँ? पुलिस को लगता है वो हमारे सुमित ही है। सुमित है हमारा। मेरा बच्चा। अंगूठा छाप अनीता और सुरेंद्र जाधव मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे सुमित के भविष्य की इमारत बनाने के सपने देख रहे थे, लेकिन किसी ने उनसे उनके सपने, उनकी अमूल्य पूंजी बड़े ही क्रूर ढंग से छीन ली थी। पुलिस को शक था कि यह विकृत हत्या ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई थी। क्या पुलिस सही थी? क्या अनीता और सुरेंद्र जाधव का भी जादू टोने से कोई ताल्लुक था? Fear is the main source of superstition and one of the main source of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom. इसका मतलब होता मतलब है। मतलब जाने दे राजा, और सुना ना इंग्लिश में कुछ। अंग्रेजी में गाना सुनाना? नहीं आई, मुझे अभी पढ़ना है। अच्छा चल पढ़ पढ़, खूब मन लगा के पढ़। मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, चीनी डालकर पिएगा ना? हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। आई हट ना, पढ़ने देना। खूब अच्छे से पढ़ बेटा, खूब पढ़ तू। बाबा आपने बोला था मेरा सुमित वापस आ जाएगा। बाबा मेरा सुमित वापस लाओ। बाबा बाबा मेरा सुमित वापस लाओ। मेरा सुमित वापस लाओ। बाबा मेरा सुमित वापस लाओ। वापस लाओ बाबा। ताला लगाया भाई। बाबा वैसे बात क्या है? बोल संतोष। आपका शक बिल्कुल सही निकला साहब, ये दोनों किसी तांत्रिक बाबा के भक्त हैं। सुरेंद्र जाधव को मैं अभी अभी घर छोड़कर आ रहा हूँ। दोनों पति पत्नी इस वक्त घर ही मिलेंगे। कौन सा तांत्रिक बाबा? कंशीमा नगर के पीछे वाले जंगल के पास एक बाबा गुफरान है, जादू टोनों का स्पेशलिस्ट माना जाता है। ठीक है सर, ये सुरेंद्र जाधव किसी बाबा गुफरान का भक्त है, स्मशान भूमि से सीधा वहां गया था। बाबा गुफरान? नारा भाई एक काम करना, मैं जाके सुरेंद्र जाधव से मिलता हूँ, तुम जाके इस बाबा गुफरान से मिलना और अच्छी तरीके से मिलना, फिर पुलिस स्टेशन लेकर आना, मैं भी मिलता हूँ उसे। सब कुछ पूछना है? पानी पियोगे? आ, आ,
क्या बात है साहब, कुछ लफड़ा हुआ है क्या? बाबा गुफरान ठीक तो है ना अपने? बड़ी फिक्र है बाबा गुफरान की साहब, वो भी हमारी फिक्र करते हैं, उनकी दुआ और दवा में बहुत जादू है साहब। 3 दिन डॉक्टर की दवाई खाई थी मैंने, बुखार कम ही नहीं हो रहा था साहब। मेरे साथ काम करने वाला अशोक बोला बाबा गुफरान से मिल। बाबा गुफरान केवल आदमियों का इलाज करते हैं, औरतों का नहीं? करते हैं ना, पर उनसे कभी मिलते नहीं है। बाबा औरतों के सामने नहीं आते, बस तकलीफ बताओ वो इलाज बताते हैं। पैसा कितना लगेगा तो बताया नहीं अशोक? बाबा पैसे नहीं लेते हैं, जो दिल में आए वो दे दो, वो भी ठीक होने के बाद। पर उन्हें पता कैसे चलेगा मुझे क्या हुआ है? बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अंदर चल के देख लेना। तीन दिन से काम पर नहीं गए, मजदूरी करते हो? हाँ बाबा। डॉक्टर की दवा भी असर नहीं कर रही, क्योंकि बीमारी किसी और को है। समझा नहीं बाबा। तुम्हारे अच्छे दिन देखकर किसी को जलन हुई है, और जलन से बड़ी बीमारी इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिक्र मत करो, ये लो, इसे अपने घर के दरवाजे पर लगा देना, और ये अंडा पका कर खा लेना। 12 घंटे के अंदर अंदर नजर उतर जाएगी, और बुखार भी। ताबीज बांधी, अंडा खाया और बुखार चला गया? ऐसा गया साहब, आज तक नहीं लौटा साहब। बाबा के कारण हमारा सब अच्छा अच्छा हो रहा था, हम दोनों की कमाई बढ़ गई, हमारा बेटा सुमित भी पढ़ाई में ज्यादा तेज हो गया। तुमने इस बाबा पर आज तक कितने पैसे खर्च किए? चमत्कारों की क्या कीमत हो सकती है साहब? 2300 अभी तक, ऐसा ही कुछ। तुमने अपने बेटे सुमित को कभी इस बाबा गुफरान को मिलाया था? हाँ साहब, बाबा सुमित को बहुत पसंद करते थे। बाबा, मेरा बेटा सुमित। बेटा सुमित, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। जा बेटा, वो बाबा है, बहुत प्यार करते हैं। जा बिरजू, जा। बैठो। सुरेंद्र जाधव, तुम्हारे बेटे में कोई तो खास बात है। इसके साथ कुछ ऐसा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जा बेटा, खुश रहे। सुमित भी बाबा को बहुत पसंद करता था। बाबा मुझे पसंद नहीं करते थे। चुप कर। इसीलिए उन्होंने मेरे बच्चे को नहीं ढूंढा। देखा ना, मेरा बच्चा कैसी हालत में मिला। चुप कर बोला ना। इस बाबा से आखिरी बार कब मिले थे? आज गया था साहब, पर बाबा मिले नहीं। और आखिरी बार बात कब हुई थी? कल आप लोगों से मिलने के बाद मैं बाबा से मिलने गया था। बाबा, क्या हुआ सुरेंद्र? बाबा, मेरा बच्चा सुमित बाबा, आपका बच्चा सुमित बाबा कल सुबह से गायब है बाबा, रात भर घर नहीं आया। बाबा उसे बचा लो बाबा, उसको ले आओ बाबा।
उठो जादव, उठो, हम अभी तेरे बच्चे को ढूंढ देते हैं। जा, हम सब ठीक कर देंगे, तेरा बेटा वापिस आ जाएगा। पुलिस भी पूरी ताकत लगा के उसे ढूंढने लगी है बाबा। पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? बाबा मैंने शिकायत की पुलिस से। तो यहाँ आने से पहले पुलिस के पास गया था? फिर जा पुलिस को बोल के तेरे बेटे को ढूंढे, मेरे पास क्या करने आया है? गलती हो गई बाबा, बाबा गलती हो गई बाबा। अपने पैसे उठाओ और चलता बन। बाबा माफ कर दो बाबा, गलती हो गई बाबा, मेरे बच्चे के सर से हाथ मत हटाओ बाबा, उसे बचा लो। ठीक है, उठ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आइंदा ऐसी गलती ना हो, क्योंकि अपनी जिंदगी के मसले हमें खुद ही सुलझाने होते हैं, कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। समझ गया बाबा। एक बात और याद रख, अगली बार अकेले आना, क्योंकि औरतों के शायद तक से हमें नफरत है। नहीं लाऊंगा बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जा, उससे बात करके हम घर भेज देंगे। आज शमशान से सीधा बाबा की कुटिया पे गया था, लेकिन वहां ताला लगा था साहब, पता नहीं बाबा कहाँ गए। कोई मोबाइल नंबर है उसका? नहीं साहब। दूसरा कोई पता? मिला कुछ? नहीं सर। सुनो, बाबा के आने तक यहीं रुकोगे? हाँ साहब, हमारा पूरा विश्वास है बाबा आएंगे, उन्होंने बुलाया मतलब जरूर आएंगे। देखो मुझे नहीं लगता तुम्हारे बाबा आएंगे, एक काम करो हमारे साथ चलो, सरकारी हॉस्पिटल रास्ते में पड़ता है, छोड़ दूंगा, इसकी हालत बहुत खराब लगती है। आप जाइए साहब, हम रुकेंगे, बाबा आएंगे, मेरे भाई को ठीक करेंगे, उनके हाथ में बहुत जादू है। कौन था ये बाबा गुफरान? क्या ये वाकई बली का केस था? और क्या इस बली के पीछे बाबा गुफरान का ही हाथ था, या फिर इस केस की सच्चाई कुछ और ही थी? शायद इन सारे सवालों का जवाब बाबा गुफरान ही दे सकता था, लेकिन क्या बाबा गुफरान खुद ही एक सवाल था जिसका जवाब उसके अतीत में था? सर, इस बाबा गुफरान के ठिकाने पर ताला लगा हुआ है, किसी को नहीं पता कि वो कहां गायब है। तार विश्वास नहीं होता, हम लोग, ये बाबा लोग, उनके अनपढ़ और गरीब भक्त लोग एक ही दुनिया में एक ही टाइम पर जी रहे हैं, अंधश्रद्धा की भी हद होती है। सर, ये पढ़े लिखे अमीर लोग भी तो कितनी चीजें मानते हैं। मानते हैं, पर इस तबके के लोग बुरी तरह नचाए जाते हैं, कठपुतली की तरह। ये जादू डोना एक नशीली दवा की तरह है, हर छोटी से छोटी मुश्किल में इसका सहारा लिया जाता है। सर, आपको लगता है कि इस गुफरान का इस मर्डर के पीछे हाथ है? मतलब जितना मैंने पता किया, इसके काफी भक्त लोग हैं, अच्छी खासी कमाई होती होगी इसकी। दारब, जो लोग दूसरों को अंधश्रद्धा के शिकार बनाते हैं, वो खुद भी तो उसके शिकार होते हैं। साहब, मैं संतोष, अंदर आऊं क्या? आ जाओ संतोष। नमस्कार साहब। साहब, ये गुफरान बाबा के बारे में फिलहाल तो इतना ही पता चल पाया है कि इसका असली नाम याकूब शेख है और 4 साल पहले कासलावाड़ी में रहता था अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के साथ। काम क्या करता था? साहब, ये ऑटो रिक्शा चलाता था, उसके बाद 4 साल पहले सबसे अलग हो गया और अपने बीवी बच्चों को लेकर युगनपुर में रहने लगा। ये उसके युगनपुर का पता है। गाड़ी निकालो। युगनपुर? क्या है? याकूब है घर में। आप लोग कौन? पुलिस। साहब, 4 साल पहले हम लोग कासलेवाड़ी से इधर आकर बस गए। कासलेवाड़ी क्यों छोड़ी? याकूब के उनके भाइयों के साथ नहीं पटती थी और मेरी उनकी बीवियों के साथ। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बेटे हैं, अनवर और फिरोज, दोनों मजदूरी करते हैं, अभी काम पर ही गए हैं। ये याकूब बाबा गुफरान कब से बन गया? याकूब के बारे में मैं कुछ नहीं जानती साहब। 4 साल पहले जब हम यहाँ आए तो उसके कुछ महीनों बाद ही याकूब ने घर छोड़ दिया। क्यों? मुझे नहीं मालूम साहब, बस वो अलग रहने लग गए। 6 महीनों में 1-2 बार मुझे मुंह दिखाते थे, कभी कुछ पैसे दिए तो कभी कुछ भी नहीं। पूरा हुलिया बदल दिया, बात करने का ढंग, पेश आने का ढंग, सब कुछ बदल दिया। और ऊपर से अजीब अजीब हरकतें करते थे। जैसे कि? जैसे कि एक बूंद पानी तक घर में नहीं पियेंगे, अलग बर्तन, अलग सब कुछ।
अभी 2 दिन पहले ही घर पर आए थे। बाहर जा। महीनों बाद मुंह दिखा रहे हो, कोई बात नहीं कुछ नहीं, ऊपर से ये अजीब सी हरकतें, फालतू का रोब जमा रहे हो। बोला ना बाहर जा। आप तो बाहर। फिरोज और अनवर कब आएंगे? वो नहीं आएंगे, वो अपने दोस्त के यहाँ सोने गए हैं। चलो उठ, अपनी जगह जा। मैंने तुझसे बोला था ना मेरे पास मत आना। आखिर हुआ क्या है, आप मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो? मैं बहुत मेहनत से तालीम ले रहा हूँ, अव्वल दर्जे का तांत्रिक बन रहा हूँ, और इस तालीम के दौरान अगर मैं तेरे साथ हमबिस्तर हुआ तो सब गायब हो जाएगा एक झटके में। इतना ही नहीं, हम पर कयामत टूट पड़ेगी, और जब तक मेरी तालीम पूरी नहीं होती मुझे छूना भी मत। उसी रात वो वापस चले गए, पता नहीं कहाँ। हमेशा अकेला आता था या कोई साथ में रहता था? कभी किसी का जिक्र किया उसने? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं था, कोई नंबर तक नहीं देते थे, बस मर्जी के तब चले आते थे। बच्चों के साथ बर्ताव कैसा था? बच्चों के साथ मैं समझी नहीं साहब। कभी किसी बच्चे के साथ देखा उसे या किसी बच्चे का नाम लिया उसने? जी नहीं, पर आप बताइए तो सही कि आप उन्हें ढूंढ क्यों रहे हो? एक बच्चा गायब हुआ था, हमें उसकी लाश मिली है, और हमें शक आपके शौहर पर है। काला जादू करने के चक्कर में उस बच्चे की बलि चढ़ाई गई है। नहीं नहीं, वो किसी बच्चे की जान नहीं ले सकते, उन्होंने तो कभी खुद के बच्चों पर भी हाथ नहीं उठाया। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है, याकूब ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो हम पता कर ही लेंगे, फिलहाल आप हमें उसके माँ बाप का पता दीजिए। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ आए थे, आपसे बात हुई थी, ये बात याकूब को गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये याकूब शेख उर्फ बाबा गुफरान कोई तो बदबूदार चीज पकाकर खाता था। अपनी पत्नी से भी दूर रहता था सर। समझ में नहीं आ रहा है, एक रिक्शा ड्राइवर तांत्रिक बाबा कैसे बन गया? क्या आप याकूब की मां है? जी हाँ। क्या हुआ हमारे याकूब को? क्या आप लोगों को पता है आपका बेटा याकूब पिछले 4 सालों से तांत्रिक बाबा गुफरान बना हुआ है? माफ कीजिए, क्या बना हुआ है? तांत्रिक, जादू टोना, झाड़ फूक करने वाला, लोगों का इलाज करता है, दवाइयां देता है, चमत्कार करने का दावा करता है। नहीं नहीं, वो तो इन चीजों में पढ़ा ही नहीं। हाँ, गाड़ी वाड़ी चलाने में दिलचस्पी रखता था, ऑटो रिक्शा खोल कर जोड़ सकता है, बचपन से ही ऐसा था। पर आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? वो आप लोगों को बहुत जल्द पता चल ही जाएगा, फिलहाल मुझे इतना बता दीजिए, ऐसा कोई शख्स है जिससे याकूब बहुत करीब था, कोई दोस्त वोस्त? बबलू से बात कीजिए, याकूब की और बबलू की अच्छी जमती थी। हाँ, जैसे जैसे पुलिस याकूब के अतीत में जा रही थी, उनके सामने एक ऐसे शख्स की पर्सनालिटी आ रही थी जो गृहस्थ था, कमाना चाहता था और टेक्निकल चीजों में दिलचस्पी रखता था। याकूब शेख से बाबा गुफरान बनने का सफर कैसे और क्यों हुआ, इसका खुलासा काफी चौंकाने वाला था।
याकूब कहाँ है बबलू? आप पुलिस वाले साहब? क्यों याकूब भाग रहा है पुलिस वालों से? नहीं साहब, ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब से वो तांत्रिक बना है ना, मुझे लगता था कि वो जरूर किसी ना किसी लफड़े में फंसेगा। वो फंस चुका है बुरी तरह से। अब तू बता दे कि याकूब कहाँ मिलेगा? यहाँ बताएगा सीधे सीधे या लॉकअप में उल्टा लटक कर? उसका पता तो सारी दुनिया जानती है, कंशीमा नगर। हर रोज वहाँ सैकड़ों लोग उससे मिलने आते हैं। वहाँ पे झोपड़े को ताला लगा हुआ है। याकूब फरार है। हाँ साहब, वो उसके गुरु के पास गया होगा, शेकोटी। तू उसके बचपन का दोस्त है ना? जी। तो उसने तुझे जरूर बताया होगा कि वो तांत्रिक क्यों बना? नहीं साहब, उसने मुझको ज्यादा नहीं बताया। 4 साल पहले गया था यहाँ से वो अपनी फैमिली के साथ, तब वहाँ उसको ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिली थी और बहुत अच्छा चल रहा था साहब उसका वहाँ पे। 6 महीने पहले मुझको मिला और बोला कि मैं तांत्रिक बन गया हूँ। मैंने पूछा तांत्रिक क्यों, तो उसने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, बोला कि ये सब उसके उस्ताद की दुआ है, उसका गुरु। पुलिस। गुरुजी, याकूब को तालीम आपने दी थी? मुझे पता था आप लोगों को एक न एक दिन आना ही है याकूब की तलाश में। आपको भविष्य भविष्य दिखता है क्या? नहीं, लेकिन वर्तमान की बेवकूफियां, गलतियां आने वाले भविष्य पर अपना मनहूस साया डाल ही देती है। गलतियां किसने और कौन सी की थी? भाई, जिसे आप ढूंढ रहे हो, जो अपने आप को बाबा गुफरान कह के बुलाता है। ऐसा क्या किया था उसने? मैंने उसे तंत्र के 2 कदम सिखाए थे, उसने 4 कदम चलना चाहा, वो भी उल्टे पैर। विनाश तो होना ही था। 4 कदम वो भी उल्टे पैर, कहना क्या चाहते हैं आप? जो भी किया होगा गलत ही किया होगा, क्योंकि उसका मेरे पास आना भी एक गलती ही थी। ये याकूब आपके पास कब आया था? 4 साल पहले। उसका एक दोस्त था मंगेश जोशी, लारी ड्राइवर, वो उसे मेरे पास ले आया था। मंगेश, तुम्हारे दोस्त से कहो मेरी विद्या का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए होता है। गुरुजी, ये तो एकदम भला आदमी है, मेरे जैसा नहीं है, बस थोड़ा मुश्किल में है। थोड़ी सी विद्या सिखा दीजिए ना, कोई गलत काम नहीं करेगा, मेहनती है, एकदम ईमानदारी से सीखेगा। क्यों रे? वो कई दिनों तक यहां बैठा रहा, न खाता न पीता, बस तालीम की भीख मांगता रहा। आखिर मैंने उसे तालीम देने का फैसला कर लिया। याकूब, अब तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें मेरी विद्या सिखाने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो सबसे पहले ये बताओ, वो क्या तकलीफ है जो तुम ये विद्या सीखना चाहते हो? याद रहे, हमारे बीच झूठ कभी आ ही नहीं सकता। गुरुजी, मुझे बीमारी है तो मैं तंत्र से ठीक करना चाहता हूँ। याकूब शेख, आ जाओ।
10 वर्षीय सुमित जाधव की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट था याकूब शेख उर्फ बाबा गुफरान, जो पुलिस से भाग रहा था। और अब पुलिस को यह भी खबर मिली थी कि वो एक भयंकर रोग से भी भाग रहा था। पुलिस याकूब तक पहुंचने के लिए उसके अतीत तक जा पहुंची थी। कौन सी बीमारी थी याकूब को जो वो तंत्र मंत्र से ठीक करना चाहता था? कल हम आपको दिखाएंगे इस केस की हकीकत इसके दूसरे और आखिरी भाग में। कल हम देखेंगे कि किस तरह से अज्ञान और अंधश्रद्धा का कॉम्बिनेशन जन्म देता है एक विकृत स्वार्थ को, जो मानवता की गर्दन शर्म से झुका देता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।